जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, नमस्कार. मैं मयेकर रजनीकांत पांडुरंग प्रभाग क्रमांक 2 असे शिवसेना का उम्मीदवार हूँ. मेरी निशानी धनुष्य बाण है. मैं अल्पावधि के लिए यहाँ नगर सेवक था. यहाँ की सबको परेशान करने वाली पानी समस्या हल करने का प्रयास किया, जैसे कि जैसल पार्क, ओसवाल पार्क, बंदरवाड़ी गांव, चंदन पार्क, राहुल पार्क, आरएनपी पार्क, आशा नगर, डीजे मार्केट, चांदी गंगा अपार्टमेंट, जुग्गी झोपड़पट्टी में हरिश्चंद्र नगर झोपड़पट्टी, बंदरवाड़ी झोपड़पट्टी एवं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बड़े पर्याप्त तरीके से पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई तथा अच्छी सड़कें बनवाई, नए गटर के निर्माण करवाए, स्वच्छता अभियान हरदम चलाते रहे, साफ सुथरा परिसर रखने का प्रयास किया हूँ एवं पर्याप्त तरीके से सुविधा देने का प्रयास किया हूँ. स्मॉल स्केल यूनिट इंडस्ट्री में भी पर्याप्त पानी दिया हूँ, अच्छे सड़कें बनाने का काम किया हूँ, नई गटर का निर्माण किया हूँ, साफ सुथरा परिसर रखने का काम किया हूँ, प्रभाग साफ सुथरा और सुंदर बनाया हूँ. इसके अलावा जुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले निवासियों को नए रेशन कार्ड बनाने का काम मेरे तरीके से किया हूँ और इस प्रभाग में बोहरी मुस्लिम समाज के भाई रहते हैं, उनकी भी मस्जिद बनाने में मैंने पर्याप्त सहयोग दिया हूँ. प्रभाग क्रमांक 2 के उन्नति के लिए हमारा प्रयोजन है. प्रभाग क्रमांक 2 के अतिरिक्त बीरा भाईंदर शहर में भी पानी समस्या से मुक्त करवाना है. बीरा भाईंदर में डैम की प्रयोजन हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे ताकि मीरा भाईंदर शहर भी पानी समस्या से मुक्त हो. इसके अलावा प्रभाग क्रमांक 2 में भारी मात्रा में सीआरजेड के प्रतिबंध है. सीआरजेड के अंतर्गत आने वाले बिल्डिंगों को नए निर्माण के लिए काफी रुकावट आ रही है, तो सीआरजेड से मुक्त करवाना है. यहाँ के निवासियों को पुरानी बिल्डिंग हुई है उनको 4 FSI दिलवाकर उनको सुविधा उपलब्ध करवानी है. यहाँ के बिल्डिंगों की डिम कन्वेंस की समस्या है, उसे भी हल करवाना है. मीरा भाईंदर शहर वासियों के साथ प्रभाग क्रमांक 2 में भी पाइपलाइन द्वारा गैस कनेक्शन का प्रयोजन करना है. यहाँ के पुरानी बिल्डिंगों को धोखादायी घोषित करने के बाद ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था नहीं है. कम से कम 1000 फ्लैट की इमारतें ऐसी हो जहाँ ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था हो. म्युनिसिपल स्कूल में अच्छी सुख सुविधा उपलब्ध हो, जुग्गी झोपड़पट्टी का विकास हो, ये हमारी धारणा है. मैं प्रभाग क्रमांक 2 के मतदार भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ कि प्रभाग क्रमांक 2 से भारी मात्रा में धनुष्य बाण का बटन दबाकर हमें विजय बनाइए. प्रभाग के साथ मीरा भाईंदर का विकास करने में हमें आशीर्वाद के रूप में मौका दीजिए, यही प्रार्थना करते हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ, रजनीकांत जी मेकर जिनको यहाँ पे मेरे हिसाब से वार्ड क्रमांक 2 के अलावा भी पूरे मीरा भाईंदर के अंदर बच्चा बच्चा जानता है, वो इसलिए जानता है जनता में सबसे ये मिल करके रहते हैं और काम के अंदर कोई भी आदमी इनको आधी रात को फ़ोन कर दो कभी ना नुकर नहीं है. बाकी कोई नगर सेवक रहेगा वो रहेगा, हम देखते हम ये करते सोचेंगे वो करेंगे, लेकिन इनका एक खास बात लगा कि ये कभी भी इनको फ़ोन करो तुरंत हाजिर होते हैं. आज हमारे सोसाइटी के अंदर आप ये जो दीवार देख रहे हैं ये सिर्फ 1.5 से 2 फुट की थी और आजू बाजू में इतने ज़्यादा कचरा आता था और कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है गलत आदमी आ रहे हैं, हमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. मैं महानगर पालिका में 1.5 महीने तक धक्का खाया लेकिन मेरे को परमिशन नहीं मिला. तब मैं मेकर साहब के पास में जाकर के उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि हमको ये दीवार की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये मेरे साथ में जाकर के महानगर पालिका इन्होंने भी 2-3 बार जाकर के आए, कमिश्नर साहब से मिले और अपना इन्होंने मिलकर के और हमारा पूरा सहयोग करा और हमें परमिशन मिली. आज जो दीवार है वो इनकी देन है. पानी की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो इन्होंने हमारे लिए साथ में जाकर के जो भी लेटर लिखना है और हमारे महानगर पालिका में साथ में जाना जाकर के वो इन्होंने करा और हमें आज की टाइम के अंदर पानी की पूरी सुविधा है. इसके लिए हम मेकर साहब को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. जनता से यही अपील करता हूँ धनुष बाण के 4 बटन दबा कर विजयी बनावे. नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम शिवसेना के प्रचार के लिए बाहर निकले हैं. इसमें जो खड़े हुए हैं कार्यकर्ता उनमें श्री रजनीकांत मयेकर ऐसे हैं जिनको यहाँ सब जानते हैं, इस एरिया से जुड़े हुए हैं.
उन्होंने पिछले सालों में पानी का काम, गटर का काम, सड़कों का काम, कौन सा काम है जो उन्होंने करके नहीं। आप रात को 2 बजे भी उनके घर पर जाके दरवाज़ा ठोकेंगे तो इज रेडी टू हेल्प, वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। एक स्कूल चलाते हैं यहाँ पे माइकर कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, कोई प्रेशर नहीं डाला जाता उस पर। और उसके अलावा कोई भी काम आप निकालिए, उनके पास जाइए और वो आपका काम करने को हमेशा तैयार रहे। यहाँ सड़कें बनी, पहले टैंकर से पानी आता था, फिर टैंकर बंद हुए, फिर पानी की लाइन पड़ी। ये सारी सुविधाएं देने वाले यही कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यकर्ता आए जो इस विभाग में काम करें। विभाग नंबर 2 में श्री रजनीकांत मयेकर, अपनी वैदिताई, अपने विजय राव जी और सुमन कोठारी, इन चारों का पैनल। तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैनल एक बार विजयी होकर हम सबको मार्गदर्शन करें और हम इनके काम से लाभ उठाएं। और इनका निशानी है धनुष बाण, तो आपने जो चारों वोट देने हैं धनुष बाण पे ही लगाने हैं, आपने अपनी वोट धनुष बाण पे ही देनी है। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि एक अच्छा कार्यकर्ता हमें चाहिए इस एरिया के, जो सबकी तरफ ध्यान करे और सबका काम करने का तत्पर रहे। नमस्कार, मैं सुमन रमेश कोठारी, प्रभाग क्रमांक 2 ब की उम्मीदवार, शिवसेना से हूँ और मेरी निशानी है धनुष बाण। सर्वप्रथम जैसल पार्क में पानी की समस्या थी, उस समस्या को हमने हल किया और जैसल पार्क को टैंकर मुक्त किया। दूसरी फुटपाथ का निर्माण किया ताकि लोग अच्छे से चल पाए। उसके बाद ड्रेनेज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे राहुल पार्क से ड्रेनेज का पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो हमने नया ड्रेनेज का निर्माण किया। उसके अलावा प्रशासनिक कार्यक्रमों में हमने अनेकों पासपोर्ट बनवाए, आधार कार्ड बनवाया, स्मार्ट कार्ड बनवाया, लोगों को अनेक सुविधा दी। महिला सशक्तिकरण की तरफ मैंने बहुत ध्यान दिया और महिलाओं को बहुत संग्रहित करके स्किल इंडिया के जो प्रोग्राम है उसमें महिलाओं को सिलाई बुनाई कढ़ाई और कार ड्राइविंग और काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जिसमें महिला सक्षम होकर आगे बढ़ सके। ब्यूटी पार्लर कोर्स, मेहंदी डिजाइनिंग, रंगोली, ताकि छोटे छोटे कामों से वो आगे बढ़े और अपनी आजीविका को यापन कर सके। उसके अलावा काफ़ी ऐसे कार्य किए थे जिसके अंदर ये हो सके कि लोगों की समस्याओं से रूबरू होके मैं उनको एक न्याय दे पाऊँ। कोई जैसे किसी की घरेलू समस्या आई तो उसके लिए मैंने साथ दिया, या किसी की प्रशासनिक समस्या थी उनके साथ जाके मैंने उन्हीं के साथ दिया। पुलिस के सहकार्य से बाइकर्स की समस्या जैसल पार्क में बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए मैंने स्पीड ब्रेकर बनवाए और ताकि बाइकर्स की समस्या हो सके। गर्दुले लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, काफ़ी लोग चौपाटी पे या पीछे की साइड बैठे रहते थे, उसके लिए पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया। आवेदन देके उन लोगों ने बहुत हमारे कार्य किए कि हम लोग उनके साथ मिलके उन लोगों को कम किया है और अभी जैसल पार्क समस्या मुक्त है। आने वाले समय में मैं बहुत कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसकी विवरण मैं आपको देती हूँ। आने वाले समय में बिजली बचे इसके लिए सोलर लाइट, परिसर का निरीक्षण हो उसके लिए सीसी कैमरा, वाटर हार्वेस्टिंग, कभी वक्त पड़ने पे वाटर हार्वेस्टिंग, जो स्किल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट भी अपने को इसमें सब्सिडी देती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग को मैं महत्व देना चाहूँगी। गैस की पाइपलाइन और चौपाटी को हाईटेक बनाने के लिए स्पोर्ट्स क्लब बनाने का प्रोविज़न रखा है। बिजली के लिए सोलर लाइट और परिसर का निरीक्षण के लिए CCTV कैमरा, यानी पानी की समस्या आगे ना हो इसलिए हर बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो पानी की समस्या है उससे हम लोग मुक्त हो पाएँ। बिजली के बिल को ध्यान में रखते हुए सोलर लाइट, परिसर का निरीक्षण के लिए CCTV कैमरा और पानी को आगे तक अपना किस तरह से यूज़ किया जाए, ताकि हर बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग प्लान लगाए जाए, जो कि गवर्नमेंट भी हमको सब्सिडी देती है। और चौपाटी को हाईटेक करने के लिए मैं एक स्पोर्ट्स क्लब बनाने का भी प्रोविज़न रखती हूँ, और गैस की पाइपलाइन मेरे मेन मैनिफेस्टो में होगी। धन्यवाद, नमस्कार।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुमन जी कोठारी यहाँ से पिछले 5 सालों से नगर सेविका है और अभी नगर सेविका का चुनाव लड़ रही है शिवसेना से। सुमन जी कोठारी ने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया है, फ्री मेडिकल कैंप, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, रोड, वाटर, गटर, पाइपलाइंस, काफ़ी काम किया है। समाज उनसे बहुत खुश है और एक सशक्त महिला है, सशक्त महिला से समाज सशक्त होता है। हम चाहते हैं सुमन जी कोठारी रिटर्न अभी वापस जीत के आए और हम सुमन जी के साथ में हैं, धनुष के साथ में हैं, शिवसेना के साथ में हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मी नर्मदा वैती, वार्ड नंबर 2 मधून उभी आहे, माझी निशाणी धनुष्यबाण। नमस्कार, मैं नर्मदाताई वैती, इनका लड़का हूँ मनोज वैती। पिछले चुनाव में वैती मैडम ने अपने प्रभाग में सबसे बड़ा काम जो 17 साल से रास्ता जो बंद था, ओसवाल पार्क से लेके आरंभी पार्क का जोड़ा हुआ रास्ता, वो रास्ता ओपन करने में इस शहर के आमदार साहब गिल्बर्ट जॉन मेंडोसा और कैटरीन मैडम ने प्रयासों से और शिवमूर्ति नाइक साहब कमिश्नर जो थे उनके आशीर्वाद से ये रास्ता की उद्घाटन उनके हाथ से हुआ। उसके बाद उन्होंने स्मशान भूमि में जो अंत्यविधि होती थी वहाँ चिमनी लगा के जो 30 फीट चिमनी बनाई उन्होंने और उस आशा नगर, राहुल पार्क और चंदन पार्क के रहवासियों से उसे निजात दिलवाई। इसी प्रकार उन्होंने चंदन पार्क में लादी गटर लाइंस और पानी के 12 इंच के पाइपलाइन की योजना लाके लोगों को पानी की समस्या से हल किया। उसके बाद उन्होंने राहुल पार्क में रास्ता बनाया जो जय अम्बे झनकार बिल्डिंग को टच होती है। जय अम्बे की जो सोसाइटी है ये पिछले 10 साल से पानी में 1.5 से 2 फुट इतने पानी में डूब जाती थी, तो उन्होंने उस एरिया सोसाइटी से 6 सोसाइटी का जो था वहाँ से गटर का निर्माण करवा के वहाँ उनके लोगों को निजात दिलाई। उसके बाद उन्होंने जो मच्छीमार लोग हैं उनके लिए, जो कोली बांधव है उनके लिए समुद्र में जाने के लिए रास्ता नहीं था तो उनको जटी का मार्ग बनाया। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रभाग में जो बंदरवाड़ी स्कूल है वहाँ पे बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए वाचनालय की सुविधा कराने के लिए प्रयास किया और वहाँ उपलब्ध किए भी है। ऐसे अनेक काम हैं उन्होंने अपने प्रभाग में जो किए हैं। फिलहाल 2012 में उन्होंने ओसवाल पार्क के सामने जो गार्डन का निर्माण हुआ है तो उनके ही प्रयासों से जो गिल्बर्ट जॉन मेंडोसा और कैटरीन परेरा मैडम जो महापौर थे उनके हाथ से उद्घाटन करके आज जो गार्डन दिख रहा है वो नर्मदाताई वैती के माध्यम से हुआ है। धन्यवाद। नर्मदाताई वैती को भारी बहुमत से जिताए, हमारी निशानी है धनुष्यबाण। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम इस खूबसूरत गार्डन में जो खड़े हैं, जो राहुल पार्क में है, इस खूबसूरत गार्डन को बनाने के पीछे नर्मदाताई वैती जो यहाँ की माजी नगर सेविका है, जिन्होंने इसका प्रयास जब वो नगर सेविका थी 2009 में तब से शुरू किया और 2012 में आते आते इसका शिलान्यास किया। आज इस खूबसूरत गार्डन में हमारे राहुल पार्क और आसपास के बच्चों को शाम के वक्त खेलने के लिए, बड़े बुज़ुर्गों को शाम को अच्छा वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत आराम मिल रहा है। इसके लिए मैं नर्मदाताई वैती का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से अपील करता हूँ कि नर्मदाताई वैती और उनके बेटे मनोज वैती का साथ दें और आने वाले इलेक्शन में भारी से भारी मतों से नर्मदाताई वैती को, जिनका निशानी धनुष्य बाण है, उस पर बटन दबाकर उनको विजय बनाए। धन्यवाद। हम ओसवाल पार्क का कंपाउंड में रहते हैं। हमारे बिल्डिंग नंबर 6 और 7 पे महानगर पालिका ने रिजर्वेशन गार्डन के हिसाब से रिजर्वेशन डाल दिया था और इधर ओसवाल बिल्डर को FSI दे दी थी उसकी, और उसके बाद में हमने जब से मालूम चला 2014 में तब से हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निवारण नहीं निकला है, केवल आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। इसके लिए 2014 के बाद में अभी पिछले टाइम पे महासभा में श्रीमती नर्मदाताई वैती ने यह मामला उठाया था और उसके लिए बहुत जोर शोर से मामला उठाया गया था और उस टाइम पे महापौर और मेहता जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसका जल्दी से सॉल्यूशन निकालेंगे और मीटिंग बुला के, सबकी मीटिंग बुला के उसका समाधान निकालेंगे, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश है और हम चाहते हैं कि ऐसा आदमी चुना जाए जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके और ऊपर तक हमारी समस्याएँ लिख के उसका समाधान निकाल सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओसवाल पार्क की 1989 से ये बिल्डिंग बनी हुई है। ओसवाल जी ने हमारी ये बिल्डिंगें बनाई थी 1989 में, उसके बाद में
हमारे ऊपर रिजर्वेशन 6-7 और निशान पे लगाया गया। क्यों, इतने सालों तक क्या कर रहे थे? अगर हमारे पास लीगली हमारे पास सीसी कॉपी है, कन्वेंस है, 7-12 है, सब कुछ है, उसके बाद भी रिजर्वेशन क्यों लगा गया है? जब 2014 में हमने ये मुद्दा उठाया तो आज तक वो मुद्दा अभी तक भी पेंडिंग है। केवल हमारे को यही आश्वासन दिया जाता है कि हम देखते हैं, हम करते हैं, अभी तक काम कुछ हुआ नहीं है। ये कब होगा ये हमारे समझ में नहीं आता है। केवल हमारे को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। धन्यवाद। जयम विधाम सोसायटी पूर्वी या सोसायटीला पावसाळी पाणी देण्याचं आणि गटरसुद्धा पाणी देण्याची लाईन खूप लहान असल्यामुळं नेहमी तळाच्या रूममध्ये पाणी साचतं। थोडासा जरी पाऊस झाला तरी तळाच्या रूममध्ये पाणी साचतं। ताईंच्या काळामध्ये ताईने जवळजवळ 100-150 मीटर आम्हाला अंडरग्राउंड गटर बांधून दिल्यामुळं ह्या सोसायटीची समस्या मिटलेली। आता तळाचे लोक त्यांच्यामुळं न पाणी साचता आनंदाने सुखी राहत आहेत। तसंच ह्या सोसायटीला पाण्यासुद्धा खूप त्रास होता। ताईंच्या काळामध्ये आम्हाला त्यांनी पहिल्या या ठिकाणी 4 इंचीची लाईन वाढवून देऊन आमच्या पाण्याची सुद्धा समस्या सोडवली। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आमचा आपल्या सोसायटीत येणारा रस्ता जो होता फार अरुंद होता, खड्डे होते, त्यातून लहान मुलांना किंवा येता येत नव्हतं, तो ताईने डांबरी करून दिला। त्याच्यामुळे ह्या सोसायटीला आमच्या एक चांगला मार्ग झाला आणि तिथपासून या सोसायटी आमचे चांगले दिवस आले। ताईचं बोलणं नव्हतं आमच्या नगरसेवकाच्या काळामध्ये आमच्या सोसायटीला बरंच काही त्यांनी असे काम करून दिलं। गटार लाईनचं स्ट्रीट लाईटचंसुद्धा काम त्यांनी करून दिलं। येण्याजाण्याचा मार्गसुद्धा चांगला त्यांनी सुधारून दिलं। त्यांनी काम केल्यापासून आत्तापर्यंत परतमध्ये एक निवडणूक झाली, 5 वर्ष होऊन गेली, त्या रस्त्याकडे कोणी ढुकूनसुद्धा बघितलं नाही किंवा आमच्या सोसायटीला आम्ही प्रॉब्लेम सांगितले तरीसुद्धा आमच्याकडे कोणी ढुकून बघितलं। परत आता त्या निवडणूक लोक राहिलेले आहेत, त्या आमची एक त्यांच्याकडे समस्या आहे की हा रस्ता जो वेडावाकडा आहे थोडासा त्यांनी चांगला सरळ व्यवस्थित सुशित करून द्यावा। देखो पहली बात तो जैसे बिल्डिंग का कमरा जैसे हमने संभाल, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट मनोज भाई का ऑफिस में गया, वहाँ पर ताई मिले। हमको जैसे संडास का पानी हम लोग पी रहे, हम लोग सोसाइटी वाले लोग जमा हुए कि बोले कि चलो भाई ये पानी और सब गटर का सब मिक्स हो रहा है, तो हमको खाली कोई दिखा नहीं, बस हम लोग बोले कि चलो मैं बताता ही वही थी कि वहाँ पर हम जाए और बात करें। जस्ट हमने सजेस्ट किया सोसाइटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग ने और हम लोग गए और खाली सजेस्ट किया, तो बीएमसी से हमको परमिशन पानी का उन्होंने, चार्ज का पानी का उन्होंने, उनकी तरफ से हमको करवाया। आज पूरा बिल्डिंग सीना दर्शन और भावना दर्शन, आज हम लोग को पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं, उस हिसाब से हमको अच्छा मिला। इसका जो ब्लॉक जो लगाया ग्राउंड का वो भी ट्राई के मतलब ट्राई के मेहनत से प्रयास से लगाया है। यहाँ पे मतलब बारिश के टाइम पे बहुत पानी जमा होता था, कीचड़ होता था और कीचड़ से हमको गुजरना जाता था। फिर भी मतलब इतना भी ब्लॉक बनाने के बाद थोड़ा मतलब साफ सफाई और साफ सुथरा लग रहा है और हमको उम्मीद है कि इसके आगे भी सपोज हम कोई भी समस्या लेकर ताई के पास जाएंगे तो हमको पूरा समाधान मिलेगा, ये हमें विश्वास है। कटवा के बिल्डिंग में से आजू बाजू वाले लोग ने हमको सब बंदी करवाने का कोशिश किया, लेकिन हमने बात गुप्त रखी और पूरा परमिशन उन्होंने ताई को, जैसे पैर में तकलीफ थी तो भी हमारे साथ मिलते 5-6 बार आए हैं बीएमसी ऑफिस में और जैसे हर एक साथ को रेगुलर मिलते लास्ट में उन्होंने फाइट पास करवाई और उस हिसाब से हमको पानी के लिए बहुत तकलीफ थी और उन्होंने भी बहुत तकलीफ क्लियर करके और वो फाइट क्लियर कर। हमारे बिल्डिंग में तो कुछ मेंबर्स को तो हफ्ते में 4-5 बार टैंकर मंगवाने पड़ते थे, उसका खर्चा करीबन 800-1000 रुपये हो जाता था, तो मतलब महीने का करीबन 4000 रुपये खर्चा होता था। उसके जगह पे अभी मतलब हमारे पास इतना पानी आने लगा है कि हम दूसरे को पानी दे सकते हैं, ऐसा परिस्थिति है अभी तो। इसी पानी की समस्या के लिए हम तो बहुत खुश हैं। हमको तो इतना ऐसा लगा कि हमने 22 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ लेकिन अभी 1.5 साल से इतना पानी आ गया कि हम ऐसा मतलब पानी ज़्यादा हो गया हमारे पास, टैंकर आना और फ्लो हो रहा है, मतलब टाके और फ्लो होकर पानी वेस्ट होता है कभी कभी। नर्मदा ताई ने एक बार जब टीट हुई उसकी तो बहुत ज़्यादा से काम कराई, फिर पानी का प्रॉब्लम वाला वो भी कराई, फिर जो प्रॉब्लम है वो भी कराने के लिए बोल रही है, तो तीनों बिल्डिंग सहमत है उसके वोट देने के लिए। समझ में आया आप लोग को? और बोलते हैं करते नहीं हैं, वो बोलती है तो करती है। हमारा लोग का आसन करेगी तो हम भी दोनों हाथ उठा के खड़े हो। अब मैं क्या छाने के जा रही हूँ। आमच्या विभागाच्या माजी नगरसेविका माननीय नर्मदाताई वैती यांच्यामुळे या विभागात ज्या अनेक वर्षापासून पाण्याच्या समस्या होत होत्या, खूप जणांना पाण्यापासून वंचित व्हायला व्हायचं, टँकर येत होते आमच्या सोसायटीमध्ये, खूप समस्याला हल करून आम्ही सतत ताईंचा पाठपुरावा केला। ताई आमच्या विभागात पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतोय, पाणी नाही आम्हाला, तर ताईने आमच्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून ही नवीन लाईन टाकून दिली आम्हाला या साईडला सेपरेट, त्याच्यामुळे आमचा पाण्याचा प्रश्न खूप सॉल्व झाला। त्याचप्रमाणे या मैदानातून येताना चिखलातून यायला लागायचं पावसाळ्यामध्ये, की आमचे किती हाल व्हायचे आम्हाला माहिती आहे, मुलांना कडेवर घेऊन जायला लागायचं शाळेत जाताना कुठे जाताना, तर ताईने पाठपुरावा करून
महानगरपालिकेला सांगून वगैरे तिथे रातोरात तिथे रस्ता बांधून दिला, ते आम्हाला माहितीही नव्हतं कधी रस्ता बांधून झाला। हे ताईचे आम्ही उपकार आहे, उपकार झाला तो ताईंमुळे झालेला आहे, नर्मदाई वैतींमुळे। आणि आम्हाला असं वाटतं की आता परत ते उघडून आले तर अजून विकास होईल, त्याच्यामुळे आमचं सगळ्यांचा पाठिंबा नर्मदाई वैतींना आहे आणि सगळ्यांनी द्यावा अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो। नर्मदा ताई वैती आहे और विजय राव आहे, माइकल साहब है, सुमन कोठारी है, ये अभी ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड अभी बीच में ये ताई ने पूरा मेहनत करके हम साथ में खड़ा रहे कि रोड किया, उससे पहले एक ही नहीं किया, ये रोड इधर तक किया। अभी तक थोड़ा कौन सा एरिया से देखेगा तो ये रोड थोड़ा तो कंडीशन है, अभी SP रोड देखो, बाकी रोड देखो, ये सब किया, बहुत सारा काम किया, पानी का लाइन बड़ा लाइन डाल दिया, छोटा ऐसे बहुत काम किया, ऐसे लोगों अपने को जीता के लेके आए, सब लोग उसके लिए वोट देना है, अपने को आगे प्रोग्रेस के लिए काम बड़ा होना चाहिए। नर्मदा ताई हमारे जो वार्ड का 4 नंबर का नगर सेवक बनी, ये 4 नंबर का वार्ड का सारा प्रॉब्लम फ्लैट वाइज नंबर वाइज हर लोगों को घर पे जाके रोड हो गया, पानी हो गया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम था सब धुआं जो है ना पूरे बिल्डिंग में आता था, ताई ने जब ये थी इसके बाद भी वो उसको चिमनी ऊपर करके दिया 30-40 फुट, तब से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ताई वापस जीत के आएगी वो प्रॉब्लम और सॉल्व होगा, ये हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। ताईने आम्हाला प्रत्येक गोष्टीत मदत केलेली आहे, हा जो रोड तुम्ही बघत आहेत त्याच्यामध्ये पूर्ण कमीत कमी 2 फूट चिखल असायचा, त्या चिखलामध्ये आम्ही सतत जायचो आणि आम्हाला खूप त्रास व्हायचा, पण तो चिखल काढण्याचं काम फक्त आणि फक्त नर्मदा ताईने केलेलं आहे। आणि जो आम्हाला सुखद जो मार्ग दिलेला आहे आमच्या बिल्डिंगपर्यंत तो फक्त नर्मदा ताईनेच आम्हाला दिलेला आहे। त्याच्या बाजूला स्मशान असल्या कारणाने आम्हाला स्मशानामध्ये एवढा तकलीफ व्हायची, एवढा त्रास व्हायचा, त्याच्या धुराने किती जण आजारी पडायचे, पण आता अशी परिस्थिती आहे त्या ताईमुळे ते दिवाळ बांधण्यात आलं, ताईमुळे त्या चिमणी बांधण्यात आली, त्याचा फायदा प्रत्येक इकडच्या जनतेला मिळत आला आहे आणि पुढे पण मिळणार। आणि त्यांच्या पाठीशी विजयभाई असले, राजूदा असले, मनोजदा असले, हे प्रत्येक गोष्टी जेव्हा ते सत्तेत नव्हते तरी पण आम्हाला मदत करायचे, प्रत्येक गोष्टी जे काही म्हणजे काही असो किंवा कोण आजारी असो तरी ते जायचे, किंवा कुठली मदत असो फायनान्शियली असो म्हणजे कुठल्याही प्रकारची मदत जर लागली आम्हाला तरी आमचे जे भावी नगरसेवक जे होते आम्ही त्याच्याकडनं जाता, आम्ही मनोजाकडे जायचो, ताईकडे जायचो, आणि त्यांनी प्रत्येक क्षणाला असं नाही की बाबा आम्ही सत्तेवर नाही म्हणून आम्ही करणार नाही असं अशातला भागच नव्हता, आम्हाला पावलोपावली पदोपदी त्यांनी आम्हाला मदत केलेली आहे आणि करणार। आणि आम्ही आश्वासन देतो आशानगरच्या तर्फे आम्ही पूर्ण यूथ आणि पूर्ण जनरेशन आम्ही ताईच्या पाठीमागे आहो होतो आणि राहणार। जय शिवसेना। मनोज भाई आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब राहुल पार्क में सुगाटर पैलेस में 23 साल से रहता हूँ। पहली बात तो जिस रोड पर खड़े हैं रोड यहाँ पर नहीं था, ताई के जमाने में रोड बनाया गया, एक गटर यहाँ पर नहीं थी गटर बनाया गया, और यहाँ सारी गटर बैठ रही है, जाके आप देख सकते हो, देख सकते हो सारी गटर टूट रही है, बैठ रही नीचे दब रही है, समझे ना। दूसरी बात यह है कि हम लोग अपनी बार वन बना लिए हैं कि शिवसेना पार्टी को ही हमारा एरिया राहुल पार्क जिताएगा, 100% जिताएगा। नर्मदा ताई, रजनीकांत मैकर, जय राव और सुमन कोठारी, भारी वोटों से हमारी एरिया जिताने के लिए प्रथम तर मी माझी ओळख करून देते आहे। माझं नाव आहे मीना महादेव सरमळकर आणि मी जैसल पार्कमध्ये राहत असून मी नर्मदाताईंसाठी मी 2-4 शब्द बोलत असून मी कार्यकर्ता म्हणून या पदावर काम करते आणि नर्मदाताईंना जी संधी मिळाली आहे त्याचं ते खरोखरच सोनं करतील अशी मी आशा बाळगते। आणि माझ्या विकासासाठी जैसल पार्कच्या विकासासाठी ताईने भरपूर मदत करावी आणि जे आम्ही कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्या पाठीशी जात आहोत तर त्याने असा विचार करावा की आम्ही त्यांना सपोर्ट करू आणि त्यांनी आम्हाला सपोर्ट करावं। आणि प्रथम म्हणजे माझा विकासासाठी जे मत आहे आणि माझी निशाणी आहे धनुषबाण त्यालाही मी वोट करेन आणि इतरही जे विजय राव आहे आणि सुमन कोठारी आहे रजनीकांत मयेकर यांनी या संधीचं सोनं करावं अशी मी आशा बाळगते आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ, मैं ज्योति टावर में रहता हूँ। ये जो रास्ता हम आज खड़े हैं, जो रास्ता में मेरे घर जाने के लिए रास्ता है, ये पिछले 15 साल से बंद पड़ा था, ये ताई की वरदान है। जो रास्ते पे हम चल रहे हैं आज, जो रास्ते में मेरे बच्चे खेल रहे हैं आज, हॉस्पिटल जाने के लिए रोड नहीं था, गणपति जाने के लिए रोड नहीं था, साफ़ सफाई एरिया में था नहीं, गटर का ड्रेनेज जाम था, सोसाइटी के अंदर कचरे घुस रहे थे, साफ़ सफाई कुछ था नहीं, गुंडा राज चल रहा था। ताई के ज़माने में ये सब साफ़ हुआ, ताई जब पिछले 5 साल से थे नहीं, बहुत तकलीफ हुआ। कभी रात को 2 बजे भी बिल्डिंग में आग लगा तो ताई को मैंने फ़ोन किया, कितना भी बारिश हो जाए, वो एक 70 साल की लेडी
बारिश में छतरी लेके रात को 2 बजे भी मेरे साथ खड़ी हुई है। मेरा वोट ताई को, मेरा वोट शिवसेना को, मेरा वोट धनुष चौहान को। मैं विजय राव प्रभाग 2 से शिवसेना का उम्मीदवारी चुना गया हूँ। इस प्रभाग से मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ की हर समस्या को मैं अपनी समस्या समझता हूँ। इसका जल्दी से जल्दी किस तरीके से निवारण करूँगा इस पे ध्यान देना मेरा मेन हेतु होगा। यहाँ पे जो मेरे बहनों की, माओं की और बेटियों की जो सुरक्षा है उसके लिए मैं अधिक से अधिक ध्यान दूंगा। सोसाइटी कन्वेंस का मैटर है वो मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने मेरे आमदार और खासदार और गिलबर्ट सेठ इनके सहयोग से मैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इनका हल निकाल के काम पूरा करने की कोशिश करूँगा। जो अवैध धंधे जितने चल रहे हैं, यहाँ ड्रग्स का चल रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही है जहाँ से सीनियर सिटीजन्स परेशान है, बहुत से लोग परेशान है, पर इसका कुछ हल नहीं निकल रहा है, उसका हल ढूंढूंगा। चौपाटी का शुभकरण है वो करने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से आपके डे टू डे नीड्स जो भी है, जितने भी लोग हैं, उनके हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करूंगा। मला आता या क्षणात तुमच्या आशीर्वादचा आणि तुमच्या मतेचा अत्यंत गरज आहे। मला कसंही करून निवडून आणून देण्याचे हे तुमचं कर्तव्य आहे आणि माझं जे कर्तव्य असेल तुमच्यासाठी मी कसं पण पूर्ण करण्याचं आज वचनबद्ध आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाय फ्रेंड्स, यू नो आय एम वॉकिंग अलोन ऑन द रोड बिकॉज ऑफ मिस्टर विजय राव। ही हॅज मेड द रोड सेफ्टी फॉर अस, यू कॅन रिलाय ऑन हिम। अँड सो टुडे आय वूड लाईक टू से, वोट करो विकास के लिए, वोट कीजिए मिस्टर विजय राव के लिए, वोट कीजिए धनुष बाण के लिए, वोट कीजिए शिवसेना के लिए। जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, हमारा वोट विकास के लिए, हमारा वोट विजय राव जी के लिए, हमारा वोट धनुष बाण के लिए, हमारा वोट शिवसेना के लिए और विजय राव के फेवर में। हमको सेफ्टी है और विजय राव ही आना चाहिए, उन्होंने इस वार्ड में बहुत काम किया है और हम दिल से चाहते कि विजय राव ही आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, हम लोग सब शिवसेना के उम्मीदवार हैं, ऐसे श्रीमान रजनीकांत मैकर जी, बी से सुमन कोठारी, सी से नर्मदा ताई बैती और 4 से विजय राव जी, हम चारों शिवसेना के उम्मीदवार हैं। उनको आप मत देके विजयी बनाएं और हमारा क्षेत्र जो आपका है ओस्तवाल पार्क, राहुल पार्क, इसके अंदर अनेक विकास के कार्य किए हैं और बहुत से काम हमें करने बाकी है। जब हम लोग इस पैनल को जिता के लाएंगे और हम लोग काम करेंगे, उसमें आपका सहयोग, आपका सहयोग हम लोगों का कार्य है, प्रशासनिक हो या अधिकारियों से हो, हम करने की पूर्णतया कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रभाग क्रमांक 2 को स्वच्छ एवं सुंदर परिसर में परिवर्तित करने की हम सब शिवसेना उम्मीदवारों की मंशा है। उपक्रमांक अ के उम्मीदवार श्री रजनीकांत मैकर जी, उपक्रमांक ब से श्रीमती सुमन कोठारी जी, उपक्रमांक क से श्रीमती नर्मदा ताई वैती जी तथा उपक्रमांक द से श्री विजय राव जी चुनाव लड़ रहे हैं। रविवार दिनांक 20 अगस्त को भारी संख्या में मतदान करके हमारे चारों उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी करें। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, वार्ड क्रमांक 2 में हम आप बात कर रहे हैं श्री रजनीकांत मेहकर सर से और हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको इस वार्ड की सारी समस्याओं का ज्ञान है? यस सर, मुझे प्रभाग क्रमांक 2 की समस्या के प्रति सारी जानकारी अवगत है। क्या आप इसी वार्ड में रहते हैं? ये प्रभाग ही मेरे जन्मस्थान है, इसी प्रभाग के अंतर्गत बंदरवाड़ी गांव मेरा जन्मस्थान है। किस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप देखते आए हैं बचपन से? मेरी राजनीति में पदार्पण होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे गांव की पानी समस्या थी, जिस समस्या को लेकर हम गांव वाले काफ़ी सालों से परेशान थे। मैं युवा अवस्था से कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दहसर से बाई ट्रेन हम लोग पानी लाते थे। उस वक्त नेता गांव में चुनाव के वक्त आते थे और हाथ जोड़ के वोट बटोर के चुनाव के वक्त जाते थे और अगले 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे। हम समस्या से जूझते रहते थे। हमने SRP यहाँ का स्टेट रिजर्व पुलिस
जो रेलवे ब्रिज के लिए तैनात रहते थे और रेलवे कॉलोनी उनके लिए रेलवे द्वारा पानी की पूर्ति होती थी, उनमें से हम अपना रोजाना पानी लेते थे। मगर राजनीतिक लोगों से या ग्राम पंचायत से हमें किसी भी प्रकार की पानी की उपलब्धि होती नहीं थी और इसी संघर्ष से मेरी राजनीति में पदार्पण हुआ। अभी आप इस वार्ड से चुन के आने के बाद क्या आप वचनबद्ध हो सकते हैं यहाँ पर जनता के सामने कि आप जितने भी प्रॉब्लम्स है, पानी के हो, रास्ते के हो, ड्रेनेज के हो, वो सारे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, इसके लिए आप वचनबद्ध हो सकते हैं क्या? मैं 2001 में नगर सेवक था अल्पावधि कार्यकाल के लिए और उस वक्त मैं 2001 में अल्पावधि कार्यकाल के लिए यहाँ नगर सेवक के रूप में चुन के आया था और भली भांति पानी समस्या से अवगत था। लोगों के मन में पानी समस्या को लेकर क्रोध अवस्था क्या है ये मैं भली भांति जानता था। नगर सेवक बनते ही पहले महीने लोगों को जहाँ RNP जहाँ रोड नहीं, N मंजे नाला नहीं, P मंजे पानी नहीं, ऐसे कॉलोनी नई नई बस्तियाँ हो रही थी, वहाँ मैं नगर सेवक था। वहाँ मैंने टैंकर द्वारा मीरा मैदान नगर पालिका के माध्यम से पानी का पूर्ति किया। हाँ, जनता मुझे चुनकर देती है तो मैं सारी समस्या उनके हल करने के लिए वचनबद्ध हूँ। धन्यवाद सर। नमस्ते, वार्ड क्रमांक 2 से सुमन कोठारी मैडम हमारे साथ यहाँ पर उनका संवाद करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। उनका एक मैसेज जनता के लिए वो देना चाहते हैं और जनता का भी एक कहना है हमेशा से कि मैम सोशल एक्टिविटी में बहुत सालों से है, आपने बहुत सारे सोशल वर्क्स किए हैं, आपके वार्ड में भी आपने बहुत सारा काम किया है, तो ये सारे आपका जो कार्यकाल है इसके लिए आप किसको आइडल समझती है, किसका किससे प्रेरित होकर आप यहाँ तक पहुँच चुकी है, अगर ये जनता को सुनना है आपकी मुझे। सर्वप्रथम मैं अपने पिताजी को ये क्रेडिट देना चाहूँगी जिन्होंने बचपन से मुझे शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, सोशल एक्टिविटी एवं धार्मिक जो मुझे संस्कार दिए हैं, उन संस्कार में मैंने उन्हीं के नक्शे कदमों पर बढ़ते हुए मैंने आगे तक का सफ़र तय किया है। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोलते थे कि बच्चे आप इतना अपना नाम कमाओ कि जब मुझे ऐसा बोले कि तुम मुझे कोई ये बोले कि मैं सुमन का पिता हूँ तो मुझे प्राउड हो, ऐसे मेरे पिताजी हमेशा प्रेरणा देते थे। उन्हीं का नाम रोशन करने के लिए मैं खेल कूद वगैरह में एक्टिविटी में भाग लिया। खेलते खेलते मैंने 82 के अंदर राजस्थान रिप्रेजेंट किया और हॉकी में सेंटर फॉरवर्ड की अच्छी प्लेयर रही। उसके अलावा सामाजिक कार्य में उन्होंने हमें सब तरह के सोशल एक्टिविटी करवाई और उसमें हमेशा धार्मिक के अंदर भी मैंने 5 क्लास पास की है, तो वो मेरे लिए मेरे बहुत बड़े आइडियल हैं। उन्हीं के नक्शे कदमों पे वो हिंदुत्व विचारधारा को बहुत मायने रखते थे कि जब हिंदू बचेगा तो देश बचेगा, तो हिंदुत्व के ऊपर चलने के लिए मुझे उन्हें मेरे पिताजी ने प्रेरित किया। और स्वामी विवेकानंद जी जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेके आगे बढ़े उसको साथ में ले रह के मैंने भारत विकास परिषद के साथ जुड़ी और उनके साथ अनेक कार्य किए और उनके साथ पैरेलल रहते रहते हरि सत्संग समिति जो ट्राइबल लोगों के लिए काम करती है, हिंदुत्व के लिए काम करती है, वन बंधु परिषद है उनके साथ मैंने रह के एकल विद्यालय काफ़ी अनेक संस्थाओं से जुड़ के उनके साथ जो काम किए हैं, जो लोग समय के साथ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गए थे तो उनको वापस हिंदुत्ववादी लाने के लिए उसके अंदर मैंने बहुत कार्य किया है। और इसी कड़ी के अंदर आज की तारीख में आज मेरे प्रेरणा स्रोत माननीय बाला साहब ठाकरे बने क्योंकि वो हिंदुत्व विचारधारा को बहुत रखते थे। और अभी अभी मुझे राजन विचार माननीय खासदार राजन विचारे जी, नामदार श्री एकनाथ शिंदे जी,
खासदार श्री राजन विचारे जी, आमदार श्री प्रताप सरनायक जी, आमदार श्री रविंद्र फाटक जी, इन सब के साथ उनके सानिध्य में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और इसी तरह मैं आगे बढ़ूं। देश के अंदर समाज का एक ऋण होता है, उस ऋण को मैंने अगर पूरा किया है, उसके साथ साथ एक राजनीतिक दायित्व भी बनता है। उस राजनीतिक के दायित्व करने के लिए मेरे समाज ने मुझे प्रेरित किया और मैं आज उसमें अग्रसर रही हूँ। पिछले 15 सालों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य कर रही हूँ और उसमें लगातार मैं आगे बढ़ रही हूँ। उसमें मेरे घर वालों का, मेरे समाज का, मेरे साथी सहेलियों का और जो भी यहाँ पे रहते हैं, जो आप अड़ोस पड़ोस बोल सकते हो या जिनके बीच में मैं रहती हूँ, और मेरे जितनी भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है आगे बढ़ने के लिए कि सुमन जी तुम इस तरह से आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ मैं उनको, इन्हीं के साथ सुनिए, मेरी फ्रेंड्स लोग जिन्होंने मुझे हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए इंस्पायर किया, तो उन लोगों को भी मैं अपना आइडल मानती हूँ। क्योंकि आइडल कोई छोटा हो या बड़ा हो, कभी बहुत छोटी सी चीज़ होती है, एक बच्चे से मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ और कभी कभी बड़े से सीख सकती हूँ। तो उम्र केवल सीखने की होती है, उस उम्र में सीखने के लिए कोई सीमा नहीं होती है। हमेशा किसी के साथ रहो, किसी अच्छाई को ग्रहण करो, ये हमेशा सोचती हूँ कि किसी की कोई भी अच्छाई मुझे थोड़ी भी मिले तो मैं अपना जीवन को सफल बनाने के लिए उनके साथ रहूँ। नमस्ते, वार्ड क्रमांक 2 में नम्रताई जिसे हम अभी बात कर रहे हैं, उनके साथ मनोज भाई यहाँ पे है। हम जानना चाहते हैं कि रोड की एक समस्या कुछ साल पहले यहाँ पे हुई थी और उसको किस तरह से सबने मिलके, और जिसमें ताई का बहुत बड़ा योगदान था वो रास्ता शुरू होने के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा जनता को बताना चाहते हैं और सर से बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। सर आप बता सकते हैं कि किस तरह का संघर्ष आपने आपको करना पड़ा है एक रास्ता शुरू करने के लिए? रास्ता शुरू करने के लिए 2007 में जब चुनाव हुए तब लोगों ने ताई को बोले थे कि आपको चुनाव में हम वोट देंगे, पर हमारी एक ही मांग है, जो 17 साल से जो रोड बंद था, राहुल पार्क, आरम्पे पार्क, कस्तूरी पार्क और आशानगर को जो ज्वाइन करने वाला रास्ता वो बंद है, वो आप खोल के दो, ये हमारी मांग है। तब उस चुनाव में ताई ने उनको वचन दिया था कि हम ये रोड आगे वाले वोट मांगने से पहले मैं खुलवा के दूँगी। तब उनकी रणनीति शुरुआत होगी। तब इस शहर के माननीय आमदार गिलबर्ट जॉन मेंडोसा, उनसे हम इस बारे में डिस्कशन किए कि ये रास्ता ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते के बीच ओपन होने के कारण तीन है। एक तो हॉस्पिटल, यहाँ तीन हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल पहुँचने के लिए गाड़ी लेके नहीं जा सकते थे। एक पद्मावती हॉस्पिटल है, एक कृष्णा हॉस्पिटल है, एक जैसल पार्क में आशीर्वाद हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाने के लिए लोगों की प्रॉब्लम होते थे। तब गिलबर्ट जॉन मेंडोसा ने ये ताई की बात सुन के अपने मनपा में एक ठहराव लाया कि जनहित का जो काम है वो होना जरूरी है, और जनहित के काम के लिए जो भी जान धन मन तन के साथ मैं ताई के साथ रहूँगा। तो उन्होंने उस सभा में 40 नगर सेवक ताई के साथ खड़े करके ये प्रस्ताव पारित करवाया, और उस टाइम उस शहर के अपने आयुक्त साहब, उन्होंने जैसे ठहराव पारित हुआ उसी दिन उन्होंने, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि श्रीमती साहब उन्होंने नाइक साहब ने ताई के साथ रह के एक ही रात में ये रास्ता पास करवाया। उस समय ताई को बहुत लोगों ने धमकी दी कि आप रास्ता ओपन मत करो, आपके लड़के को आपको हम मारने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ताई बिना निडर होकर वो रास्ता एक ही रात में ओपन करके लोगों को शुरुआत करवा के दी, और मैं गिलबर्ट सेठ का और इस शहर के माननीय आयुक्त साहब श्रीमती नाई साहब का शुक्रगुजार हूँ। उनके कारण आज भी ताई को प्रभाग के लोग इस रास्ते के नाम से जानते हैं और लोगों के दिल और दिमाग में ताई ये नाम उनके दिलों में बैठ गई। अपने इस वार्ड में जो गार्डन बने हैं, जो गार्डन बना है अभी, कुछ इशू हुआ था कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का इशू हुआ था, किस तरह से आपने उसके लिए संघर्ष किया है।
रास्ते के 2009 में जो सफलता होने के बाद ताई के दिमाग में कि अपने प्रभाग में सुसज्जित गार्डन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग गार्डन में जाने के लिए चौपाटी जाना पड़ता था और घर के रहवासी जो लेडीज़ वर्ग है वो 8 बजे के बाद चौपाटी जाने के लिए डर एक महसूस होता, क्योंकि एक कॉर्नर साइड में वो गार्डन गिर जाता है। तब ताई ने 2009 से संघर्ष चालू किया कि मेरे प्रभाग में गार्डन जोन जगह है, उसमें क्यों नहीं अपन गार्डन बनाने की कोशिश करें। तो 2009 से ताई ने गार्डन बनाने की कोशिश पारित की और ये बात गिल्बर्ट मेंडोसा साहब को बोलने के बाद इस शहर के आमदार साहब ने हाँ बोली और 2009 से जो शुरुआत की थी 2012 में हमारे महापौर मैडम कैटरीन परेरा उनके हाथों से इस गार्डन का ओपनिंग करवाया गया। तो आज जो गार्डन दिख रहा है, चुनाव के बाद वो गार्डन सुसज्जित हुआ, आज जो गार्डन दिख रहा है वो नर्मदाताई वैती के माध्यम से की हुई प्रयत्नों से हुआ है। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहते हैं, आपका और ताई का जो अभी तक का सफ़र है इस सोशल एक्टिविटी का, इसके लिए आप किसको आपका प्रेरणा स्थान मानते हैं, आपका कौन आइडल है और किससे प्रेरित होकर आपने ये सारी सोशल एक्टिविटी को अंजाम दिया है? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस शहर के गरीब घर से आई हुई नर्मदाताई वैती जो गिल्बर्ट जॉन मेंडोसा साहब जो हमारे शहर के प्रथम आमदार साहब हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे के उनसे की प्रेरणा से कि जनहित गरीबों का काम वो किस प्रकार करते वो देख देख के हमको हमारे दिल में प्रेरणा हुई कि नहीं, हमें भी लोगों का कुछ काम करना है और दिखाना है कि हम भी काम कर सकते हैं। तो मैं हमारे गिल्बर्ट जॉन मेंडोसा साहब को ही, उनको ही मैं आदर्श मानता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। वार्ड क्रमांक 2 मध्ये आपल्यासोबत आहेत श्री विजयराव। विजयराव सर, जनतेकडून काही प्रश्न आहेत किंवा जनतेकडे जनते ज्यावेळेस आम्ही फिरलो त्यावेळेस आम्हाला असं कळलं की तुम्ही महिलांच्या संरक्षणासाठी तुम्ही सदैव तत्पर आहात आणि त्यांच्यासाठी तुम्ही सदैव संघर्ष करतात। थोडक्यात महिलांच्या संरक्षणासाठी तुमचं मत काय आहे? मत म्हणजे असं आहे की महिला जे पण आहेत ते आपल्या आई बहिणीसारखी, म्हणजे आपण त्यांना मानतोय, दरवेळी आपण त्यांना तेवढी इज्जत देतोय। आज जे काही इथे इकडचं वातावरण आहे त्या हिशोबाने त्यांचं म्हणजे तेवढं त्यांना सेफ्टी नाही आहे। मी जे बघतो इथे बायकर्स फिरतात, सर्व फिरतात, आणि दुसरं काय खूप अवैध धंदे होतात, त्यांच्यामध्ये त्यांना जे त्रास होते ते मी बघतो आहे। पण मी आता सध्या माझे हातपाय बांधले गेलेत की काय ना काय करून, कसं पण करून ह्यांना तिकडनं आपण सुरक्षित कसं ठेवू शकतो। रस्ते खूप आहेत आणि करण्याचा हेतू पण आहे आपल्याला। त्यांना मी काय पण कुठल्या पण दगडावर, म्हणजे वॉट एवर इज द लिमिट, मी कुठल्या पण लिमिटवर जाऊन त्यांना सेफ्टी कसं करायचं, त्यांना सेफ कसं करायचं, ते माझं मेन हेतू आहे। आणि त्यासाठी माझ्याकडे खूप काय आयडिया आहेत आणि ते मी करणार। थोडक्यात विजयरावजी सरांचं म्हणणं असं आहे की महिलांच्या संरक्षणासाठी मी सदैव तत्पर राहील आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी मी वचनबद्ध आहे या ठिकाणी। सर, या व्यतिरिक्त आम्हाला विचारायचं आहे की या ठिकाणी तुम्ही निवडून आल्यानंतर तुम्हाला कुठल्या सुविधा या वार्डासाठी तुम्हाला उपलब्ध करून द्यायच्यात, त्या मला 2 शब्दांमध्ये जनतेला सांगायच्यात। जैसलबाग एक असं वॉर्ड आहे ना, तर कामं जास्ती नाही, तिथे सेफ्टी जास्त पाहिजे। लोक त्रस्त आहे, तिथे चोरी होते, टपोरीगिरी होते, रस्त्यावर बसून लोक फालतूगिरी करतात, कोणा काय सिनियर सिटीजन्स डेंजरमध्ये आहे। अशा लोकांचा आपण सेफ्टीचा विचार करायला पाहिजे। इथे सुशिक्षित लोक आहेत असं नाही की नाही आहेत, म्हणून यांचं आपण दुसऱ्या फील्डमध्ये पण यांना सपोर्ट करू शकतो। जसं एज्युकेशनचं फील्ड आहे, इथे मेडिकलच्या हिशोबाने आज एवढ्या वर्षापासून मी बघतोय पण कधी काय इथे एक ॲम्ब्युलन्स पण कुठल्या पण नगरसेवकनी इथे आणून नाही दिलं, काय नाही दिलं। आज कुठे पण कुठे देत होते काय, कोणाला अर्जंट ॲडमिट करायचं लागते तर इथे तिथे पळतात दुसऱ्याकडनं, आपल्याला ॲम्ब्युलन्सचं करा, ॲम्ब्युलन्स करून द्या, ॲम्ब्युलन्स करून द्या। आज स्वतःचं एक ॲम्ब्युलन्स असलं इनबिल्ट पाहिजे इथे, जे काय इथे तिथे आपल्याला दुसऱ्यांकडनं बघण्याच्या विषयी आपल्या घरीच सर्व काय असेल
तर आपण का पडणार इथे तिथे. यांना इथे इकडच्या लोकांना आजार आपला निवडून येतं, तर यांना टोटल फॅसिलिटी आपण अवेलेबल करून द्यावी इथे. काय कुठे नाही, लायब्ररी नाही आहे, काय नाही, काय काय पण नाही इथे, तर काय नाही पण करून देणार याच्यात. थोडक्यात सरांचं जे संघर्ष आहे किंवा सरांची जी इच्छा आहे, इथे ॲम्ब्युलन्स याव्यात, त्यानंतर इथे शिक्षणासाठी सरांचा पाठिंबा असणार, योग्य शिक्षण मिळावं सगळ्यांना, अशा प्रकारे सरांचे बरेचसे स्वप्न आहेत. सर, हे जे तुम्ही सोशल ॲक्टिव्हिटी जे करतायत, यामध्ये जर आत्तापर्यंत जे काही तुम्ही सोशल ॲक्टिव्हिटी करत आलात आणि पुढे जे करत आहात, यासाठी तुम्ही कोणाला आदर्श स्थान मानू शकता, म्हणजे हु इज युअर आयडल फॉर दिस ऑल सोशल ॲक्टिव्हिटी? सी, माय आयडल हॅज ऑलवेज रेस्पेक्टेड मिस्टर गिल्बर्ट जॉन मेंडोस, हुम आय कॉल गिल्बर्ट शेठ. ही हॅज बीन माय आयडल, माय आयकॉन सिन्स आय जॉईन हिम फ्रॉम 1992. आय हॅव सीन हिम द वे इज वर्किंग. त्यांनी कधी आजपर्यंत कोणाला हे नाही सांगितलं की तू कुठल्या पक्षाचा आहे, काय काय आहे तुझं, काय काम आहे, पक्ष कुठला आहे तुझा, असं काय नाही. लोकं त्याच्याकडे जातात कामं घेऊन, ते काम होते. आणि मला पण तसंच करायचं, लोकं माझ्याकडे आले तर त्यांचं काम व्हायला पाहिजे. त्यासाठी मला काय करायला लागणार काय नाही ते माझं रिस्क आहे, माझं हेडेक आहे. पण लोकं माझ्याकडे येऊन निराश होऊन जायला नाही पाहिजे. खूप काय रस्त्यात नगरसेवक म्हणजे हे नाही की इकडचेच प्रॉब्लेम त्यांचा सॉल्व कर. आज आपल्या रहिवासी त्यांना कुठे बाहेर पण कुठे प्रॉब्लेम झाला, आपल्या मुंबई सोडून कुठे बाहेर झालं, तरी नगरसेवक त्याचा तत्पर असायला पाहिजे की माझ्या वॉर्डमधील लोकांना त्रास होतो आणि त्यासाठी मला काय ना काय करून त्यांना सेफ्टी तिथे अरेंज करून देणं आणि माझी कॅपॅसिटी मी माझ्या माणसांना सेफ करण्यासाठी मला येते, कसं करायचं काय करायचं ते. थोडक्यात सरांचे आयडिया आपल्याला कळलेले आहेत आणि खरंच युवा पिढीचे, इथल्या सर्व युवा पिढीचे तेच आयडल आहेत. आणि या ठिकाणी सरांनी आपल्याला वेळ दिला आहे. सर, युवा पिढीमध्ये आणि इथल्या सगळ्या रहिवाशांमध्ये अशी चर्चा आहे की तुम्ही पदावर नसताना देखील त्यांच्या मदतीला नेहमीच धावून गेलेले आहात आणि आता तुम्ही जर पदावर आलात तर त्यांना अजूनही जास्त त्यांच्या मदतीला तुम्ही धावून असाल, याबद्दल तुम्हाला काय बोलायचं आहे? माझं पण हेच इंटरेस्ट आहे. आज एवढ्या लोकांना आपण बनवलं की काय ना काय लोकांचं काम होणार, हे होणार. पण जे मी दृष्टिकोन घेऊन बनवलेलं त्यांना, पण मला ते तसं काही दिसलं नाही. म्हणून यावेळी मी विचार करतो, मी असंच लोकांचं मदत करतो. ज्या माझ्याकडे कुठलं पद असेल की मी नगरसेवक हो काय हो, तर माझं एक्सपांड होतं, माझे राईट्स एक्सपांड होतात. त्या हिशोबाने मी त्यांना अजून जास्त मदत करू शकतो जे आत्तापर्यंत करत होतो. त्यासाठी मी निवडणूक लढवायचा विचार केला आणि वरून आज आपले खासदार आहेत, आमदार आपले आहेत, गिल्बर्ट शेठ आपले आहेत माजी आमदार, पालकमंत्री आपले आहेत, तर आपण लोकांचा सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचं आपण सक्षम आहे. आपण आता बोलत होतो श्री विजयराव सरांसोबत आणि त्यांचे जे मत आहेत युवा पिढीसाठी, महिलांसाठी आणि त्यांची जी संघर्ष करण्याची जी पद्धत आहे किंवा जी इच्छा आहे ती आपण या ठिकाणी बघितलेली आहे. नक्कीच आमच्या सर्व टीमकडून त्यांना या इलेक्शनसाठी शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. नमस्ते. आज मीराबंद इलेक्शन के लिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर सुजीत मिंचेकर जो आमदार है उनका यहाँ पे आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है. तो हम सर आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ की जनता के लिए आपके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? नमस्कार. भाईंदर में मैं पहले रहता था तो इसके प्रति ये भाईंदर में मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है. तो मैं शिवसेना का विधायक होने के नाते मेरे दो नंबर वार्ड के जो कैंडिडेट्स है, ये कोठारी ताई है, हमारे वैती ताई है, राव साहब है, मयेकर साहब है, ये जो बंदे हैं ये शिवसेना के प्रति आज के उम्मीदवार है. जो लोगों को चाहिए वो देने की तैयारी हमारे कैंडिडेट्स रखते हैं. आज लोगों के प्रति जो मान सम्मान होना चाहिए ये आज तक जितना मिला है उससे दुगना देने की चाह हमारे इस उम्मीदवारों में है. निश्चित रूप से ये भाईंदर का नक्शा बदलने के लिए ये सब तैयार है. आप सबको मालूम है कि मीरा भाईंदर नगर पालिका, महानगर पालिका जो है, इस महानगर पालिका में आज तक क्या होते आया है. इसमें अगर बदलाव लाना चाहते हो
तो शिवसेना के ये उम्मीदवार जो है ये बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, सोशली नेटवर्क होने वाले लोग हैं। इनके साथ आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे शिवसेना का धनुष बाण जो है उसके आगे जो बटन है वो दबा के हमारे इन चारों कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से आप जीत के लाइए, ये कामना लेके मैं आपके सामने आया हूँ। जय महाराष्ट्र। सर, मीरा महेंद्र के विकास के लिए आपके पास कोई प्लान है? जैसे कि अगर ये सारे उम्मीदवार अगर चुन के आते हैं तो आपके माइंड में क्या ऐसा प्लान है या फिर कोई मास्टर प्लान है कि जो स्मार्ट सिटी की तरह इस सिटी को बना सकता है? देखिए, मीरा महेंद्र के हमारे विधायक जी जो है ये शिवसेना के विधायक है, यहाँ पे निश्चित रूप से बदलाव लाने की चाह हमारे विधायक जी और जो आने वाले नगर सेवक है ये मन में रखते हैं। निश्चित रूप से मीरा भाईंदर का नक्शा बदलने के लिए आदरणीय उद्धव जी साहब हमारे जो पक्ष प्रमुख है उनके दिमाग में निश्चित रूप से कोई प्लान बिल्कुल है ही। जैसे बंबई का नक्शा और बंबई में शिवसेना के प्रति लोगों का आदर है, सम्मान है, जिस तरीके से बंबई के लोगों में शिवसेना जीत के आनी चाहिए ये प्रेम जो बंबई में है उसी प्रकार का प्रेम भाव इस भाईंदर वासियों में। मुझे शाम के 6 बजे के बाद मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं बहुत लोगों के पास गया, बिजनेस लोगों के पास गया, आम आदमी के पास गया, दुकानदारों के पास गया, उनके साथ जब मैं चर्चा करता हूँ तो एक ही बात मेरे सामने आती कि इस बार शिवसेना, नथिंग एल्स। धन्यवाद सर। मीरा महेंद्र के शैक्षणिक और आरोग्य स्वच्छता इस बारे में आपका क्या बोलते? आप देखेंगे तो ये मीरा महेंद्र महानगर पालिका जो है इसके माध्यम से जो यहाँ पे काम चलता है इसका अनुभव हर एक महेंद्र वासियों को है। जैसे कि यहाँ पे कचरे की समस्या है तो जब हमारे ये यहाँ के लोग हमारे जीत के आएंगे, नगर सेवक बन जाएंगे तो पहला काम यहाँ का जो होगा वो स्वच्छता का काम। स्वच्छता के माध्यम से इस एरिया का काया पलट करने की जिज्ञासा मेरे ये नगर सेवक लोग करेंगे। यहाँ के स्वच्छता के बाद यहाँ की आरोग्य की समस्या है, यहाँ के लोगों को जो वैद्यकीय सेवा अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए ये देने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा गरीब से गरीब आदमी के प्रति ये सेवा पहुँचनी चाहिए, इस प्रकार का काम हमारे ये नगर सेवक साहब करेंगे। आने वाले दिनों में ये जीत के तो पक्का आएंगे, जीत के आने के बाद यहाँ के जो कॉलेज के युवा युवती जो है इनको कॉलेज का एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रश्न है, इनको जो भी हेल्प लगेगी जैसे कि एडमिशन की हेल्प है या फीस में कोई प्रॉब्लम्स आती है, बच्चों के कॉलेज में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इसके प्रति स्कूल में भी ये लोग ध्यान दे के किसी भी बच्चे को एजुकेशन से बाजू रहने नहीं दिया जाएगा, उनको एजुकेशन का हक दिलाया जाएगा। और आम आदमी का काम क्या होता है, महानगर पालिका में छोटा मोटा काम होता है, ये कामों के लिए हमारे नगर सेवक हमेशा तत्पर रहेंगे। कोई भी डेथ हमारे एरिया में हो जाती है तो इसका पहला आदमी वहाँ पे पहुँच के उसका पूरा क्रियाकर्म करके उसको डेथ सर्टिफिकेट हो या उसकी नोंद हमारे महानगर पालिका में डालनी हो तो मेरे नगर सेवक वहाँ पे जाके, ये शिवसेना के नगर सेवक शिवसैनिक वहाँ पे जाके उसकी नोंद करेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये उद्धव जी का सपना है। और निश्चित रूप से ये भाईंदर में, मीरा भाईंदर की महानगर पालिका में 100% शिवसेना का भगवा लहराएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।